तेलंगाना भर में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए रायदेही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू किया गया। हैदराबाद के इलाके दबेरपुरा में भी म्युनिसिपल इलेक्शन वोटिंग की गई। सुबह के औकात में लोग वोट देने के लिए घरों से बाहर निकले। दबेरपुरा डिवीज़न में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए वोटर्स की तदाद 50,152 दर्ज की गई। सुबह 10 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज सिर्फ 10 से 12 रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान दबेरपुरा इलेक्शन में हल्की कशीदगी भी देखी गई। फिर कुछ देर बाद इसी दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त भी देखा गया। कुछ देर बाद दबेरपुरा डिवीज़न में पॉलिटिकल पार्टीज के आला लीडर्स ने भी अपना वोट डाल दिया। आइए देखते हैं एच न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ की ये रिपोर्ट। आज दबेरपुरा कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 30 कमीशन इंस्ट्रक्शन से आज सुबह 7 बजे को इलेक्शन स्टार्ट हुआ, पोलिंग स्टार्ट हुआ। सब पीसफुल चल रहे हैं। पुलिस तरफ से अच्छा बंदोबस्त करे, जीएचएमसी तरफ से भी अच्छा बंदोबस्त, ऑफिशियल्स पूरा अरेंजमेंट हुआ। और मीर चौक डिवीज़न में रेन बाज़ार, दबेरपुरा, मीर चौक पुलिस स्टेशन्स कवर कर रहे हैं। हर एक पोलिंग लोकेशन में एक एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर्स, तो मिनिमम 6 to 8 जवान ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स पूरा मिलके अरेंजमेंट करे, अच्छा बंदोबस्त करे। ये पूरा 18 लोकेशंस और 66 पोलिंग बूथ्स में है, सब पीसफुल है। थैंक यू। अभी तक आप कितने पुलिस डिप्लॉय करे आप ये 18 बूथ्स के ऊपर? 18 लोकेशंस के लिए टोटल 450 लगभग 450 पुलिस को डिप्लॉय करे पूरा। थैंक यू। वार्ड है आज, उसके बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। आप जैसा आप सब लोगों को मालूम है तो बहुत पीसफुल है और पूरा बंदोबस्त हम लोग लगा के हैं। और इससे पहले भी प्री पोल में भी पब्लिक का कोऑपरेशन अच्छा रहा है, कोई भी छोटा इंसिडेंट नहीं हुआ है। और अदरवाइज़ भी यहाँ का पब्लिक पूरा पीसफुल पब्लिक है। तो यहाँ पे 18 लोकेशंस हैं, उसमें 66 पोलिंग स्टेशंस हैं टोटल। तो तकरीबन हर पोलिंग लोकेशन पे एक इंस्पेक्टर साहब हैं और उनके साथ तकरीबन एक एसआई साहब या 2 एसआई साहब, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ उसको, और एक दर्जन के करीब हमारे पुलिस कांस्टेबल्स। और जहाँ पे महिला वोटर्स हैं, लेडीज़ वोटर्स हैं, वहाँ पे उनके उसके लिए डब्ल्यूपीसीज भी लगाए गए हैं। इसके अलावा रूट मोबाइल्स, स्ट्राइकिंग फोर्सेज और स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्सेज हैं, सफिशेंट फोर्स है। और पब्लिक भी अमन पसंद है यहाँ की, तो कोई दिक्कत हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से शांति से इलेक्शन होगा। सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे।